हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल से लेके आज तक की आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो कल से लेके आज तक आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग्स चल रही है, क्या इंटेंशंस है, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं होता है हर बात सबसे मैच करेगी। सो जितना मैच करता है उसको रखिए, बाकी चीज़ें यहीं भूल जाइए। अगर आपको कोई भी हीलिंग रिचुअल करानी है, जैसे कि आपके रिश्ते को सुधारने के लिए, मैरिज कमिटमेंट के लिए, या खुद की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, तो आपको नंबर स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। आप बुकिंग करा सकते हो अपने लिए और हीलिंग रिचुअल करा सकते हो। अगर आपको कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोज़ क्वार्ट्ज, ब्लैक टॉर्मल लाइन, रिंग फॉर्म में भी रोज़ क्वार्ट्ज अवेलेबल है, माला फॉर्म में अवेलेबल है, आप ले सकते हो। रोज़ क्वार्ट्ज से आपके रिश्ते सुधरते हैं, चाहे वो रिश्ते कोई भी हो, ये आपके हर रिश्ते को सुधारता है, इम्प्रूव करता है। कोई अगर आपकी लाइफ से चला गया, उसे वापस ले आता है, और इससे आपके रिश्ते को नज़र लगी है तो वो भी निकल जाती है, और आप प्रोटेक्टेड रहता है आपका रिश्ता, फिर कभी नज़र नहीं लगता आपके रिश्ते को, और ये ओवरऑल भी आपको भी नज़र से बचाता है और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो लेना है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा आपको, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। एंड पर्सनल रीडिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन सारी सर्विसेज पेड होती है, कोई भी फ्री सर्विस मैं नहीं प्रोवाइड करती अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब। यूट्यूब में आपको कोई पैसे नहीं भरने होते हैं, फ्री में आप रीडिंग देख रहे हो, लेकिन पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, रिचुअल करा रहे हो, क्रिस्टल ले रहे हो, स्पेल जार बनवा रहे हो, स्पेल ऑयल बनवा रहे हो, उसके पैसे ज़रूर लगेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देखते हैं कल से अब तक के आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, कल से अब तक क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। कल से अब तक की आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, कल से अब तक क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज बताए। साईं बाबा की ब्लेसिंग्स से हम इस रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। चलो लेट्स सी। टेन ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्स, हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ वॉन्स। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। सो आई वुड बी यूजिंग दिस डेक, लेट्स सी जो भी कार्ड्स आ रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी क्यों है, व्हाई इज टेन ऑफ वॉन्स हियर, टेन ऑफ वॉन्स क्यों है, प्लीज क्लियर मैसेज दीजिए डिवाइन प्लीज। टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी क्यों है कल से अब तक की इनकी। आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन, और बॉटम ऑफ द डेक में आई स्टिल थिंक अबाउट अस बींग इंटीमेट। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, उनकी ना आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रही है। ओके, उन्होंने चाहे एक्सपेक्टेशंस पूरी करी हो आपकी इस रिश्ते में या नहीं करी हो, लेकिन उनकी आपसे और इस रिश्ते से हमेशा बहुत एक्सपेक्टेशंस रही है। ठीक है, देखो एक चीज़ तो है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ओके, आपकी परवाह भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा मुझे लगता है कल से अब तक इनकी एनर्जी ऐसी रही है ना, जहाँ पे एक हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हो फिज़िकली एक दूसरे से, या एक सेक्सुअल टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, देखो अभी आपको सुनने में ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन को क्या सिर्फ सेक्स की पड़ी है, इसको प्यार से कोई लेना देना है या नहीं, फीलिंग्स है या नहीं इसकी कुछ। देखो फीलिंग्स है, अपने जगह पे है, ठीक है, लेकिन किसी रिश्ते में जितना इमोशनल कनेक्ट ज़रूरी होता है, उतना ही फिज़िकल कनेक्ट भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, इक्वली मायने रखता है। तो आपके पर्सन
को कहीं ना कहीं कल से अब तक वो सबसे ज़्यादा अगर सोच रहे थे आपके बारे में, तो वो इस बारे में सोच रहे थे कि आपके साथ उन्हें इंटीमेट होना है। अब देखो, इंटीमेट होने का मतलब वही करना नहीं होता है जो आप सोच रहे हो। बीइंग इंटीमेट ऑल्सो मीन्स आपके साथ वक्त बिताना है, फिजिकली, यू नो, एक फिजिकल टच, आपके हाथों में हाथ देकर बैठना है। दिस ऑल्सो मीन्स अ लॉट, एंड इससे भी रिश्ता बहुत मजबूत होता है। फिजिकल टच से भी रिश्ता बहुत मजबूत होता है। एंड आपके पर्सन उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे थे और बहुत ज़्यादा उनको जैसा होता ना, खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे थे, बहुत हैवी और बहुत बर्डन्ड फील कर रहे थे। उनका मन कर रहा था कि यू नो, आपको देखे, आपके साथ वक्त बिताए, बींग इंटीमेट विथ यू, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ यू। क्योंकि उनके लिए कैसा हो जाता है ना कि अगर वो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, आपके साथ वक्त नहीं बिताएंगे, तो उनका पैशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता, कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हो रहा था कि ये पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहे थे। रह रह कर उनको आपकी याद आ रही थी, उनका मन कर रहा था आपके साथ वक्त बिताए, आपको छुए, आपको फील करे, आपको देखे। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? वाइज नाइन ऑफ कप्स या डिवाइन, प्लीज़ बताए क्यों है नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर? Emptiness in my soul without you, and bottom of the deck में है I was immature at that time. ठीक है, सबसे पहले तो ना ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ना ऐसा दिखाते हैं, ऊपर से ऐसे शो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत खुश है। ऊपर से देखकर आपको लगेगा भी नहीं कि ये पर्सन दुखी है या परेशान है, लेकिन डेफिनेटली प्रिटेंड करते हैं, एक एम्प्टीनेस होता है। भले उनके होठों पे मुस्कान होती है, लेकिन मुझे लगता है कल से अब तक इस पर्सन ने अपने होठों पे एक मुस्कान कैरी करी है, लेकिन दिल में बहुत खालीपन महसूस किया है, एक एम्प्टीनेस फील करी है। आपने कभी ऐसा फील किया है कि ऊपर से आप लोगों को खुश दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से आप बहुत खाली हो? लिटरली ऐसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन कल से अब तक। ठीक है, और इनको रिग्रेट भी हो रहा था कि इमैच्योरिटी के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने आज आपको अपने से दूर कर दिया, या जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में वो उनके इमैच्योरिटी की वजह से हुई है, वो ब्लेम ले रहे थे अपने ऊपर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज नाइन ऑफ वॉन्ड्स हियर? ओके, इट वॉज माई लॉस लूजिंग यू, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई स्टिल रिमेंबर योर फ्रेग्रेंस द डे वी फर्स्ट मेट। यस, एक चीज़ तो है कि ये पर्सन कल से अब तक आपको बहुत याद कर रहे थे, कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और इनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि वो जब भी आपको देख रहे हैं ना, सारी मेमोरीज़ ताज़ा हो जाती है। जब वो पहली बार आपको मिले, जब उन्होंने पहली बार आपको किस किया, जब पहली बार उन्होंने आपको देखा, उनके दिल में आपको लेकर सारी यादें ताज़ा हैं। ओके, और कहीं ना कहीं कल से अब तक कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट, मतलब जैसे होता है ना कि हम कोई चीज़ खो देते हैं तो कैसा फील करते हैं, वैसा फील कर रहे हैं कल से। ठीक है, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, संभाल नहीं पा रहे, एक हिचकिचाहट, एक हमेशा के लिए खो देने का डर, अप्रोच करने का डर आपको, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर था। ओके, वाइज हैंग्ड मैन हियर डिवाइन, प्लीज़ बताएं हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है? पाइसेस हो सकते हैं, मीन राशि, सिग्निफिकेंट साइन है यहाँ पे। ओके, आपकी या उनकी हो सकती है। आई स्टिल रिमेंबर, सी अगेन द सेम कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक, मैम होपलेसली इन लव विथ यू। ये वहीं पे अटके हुए हैं, ये वहीं पे हैं। ओके, ये पर्सन पास्ट में जीने वाला इंसान है, ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में नहीं जीता, ये पास्ट में जीता है। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, बहुत याद किया है इस पर्सन ने। ये वहीं पे अटके थे जहाँ पे आप दोनों पहली बार मिले, या आपकी जो खुशबू थी फर्स्ट टाइम आप जब मिले थे उनको, जो फ्रेग्रेंस थी आपकी, दे स्टिल रिमेंबर दैट। तो सोचो ये पर्सन आपको लेकर कितना सीरियस है, दे वेरी सीरियस अबाउट यू। ठीक है, और ये पर्सन अपने दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे थे, अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। ये रह रहकर इनकी कैसेट वहीं पे आके अटक रही है, बार बार आपके बारे में सोच रहे थे, और ये पर्सन ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो पागल है आपके पीछे, आपके प्यार में, बहुत प्यार करते हैं आपसे। सेवन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है? वाइज सेवन ऑफ स्वर्ड्स, योर
आई डोंट नो हाउ टू फिक्स माई ब्रोकन हार्ट एंड द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू द मोर आई मिस यू. देखो क्या है ना कि आपका तो दिल तोड़ा ही है इस पर्सन ने, झूठ बोल के या चीटिंग करके या झूठे वादे करके, इग्नोर करके, बात ना करके. लेकिन साथ ही साथ उस प्रोसेस में क्या हुआ है ना कि खुद का भी दिल तोड़ लिया. ठीक है, क्योंकि देखो ना कितना मिस कर रहे हैं आपको, इतना मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा ही है इस पर्सन को. दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन अंदर वो खालीपन है, वो एम्प्टीनेस है, वो गुस्सा है, खुद को लेकर निराशा है, राइट. तो आपके पर्सन की एनर्जी कल से अब तक की ऐसी है जहाँ पे वो जितना आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना चाह रहे हैं कि नहीं सोचे आपके बारे में, आपको भूल जाए, आगे बढ़ जाए, जैसे मतलब उनको क्या लग रहा है ना बेसिकली कि मुझे इस टूटे दिल को ठीक करना है, आपके भी और खुद के भी. लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है एक्शन क्या ले, कि क्या सही होगा उनके लिए, आगे बढ़ जाना चाहिए या आपके पास वापस आ जाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए. व्हाट शुड दे डू, दे डोंट नो. ओके, एक कन्फ्यूजन भरी हुई थी इस पर्सन के अंदर. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, वाई इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, क्यों है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे. I remember our funny jokes and bottom of the deck, I wonder what you think about me now. Yes. देखो ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे कल से अब तक, कर रहे हैं, नॉट कर रहे थे, कर रहे हैं. अब कल से अब तक की एनर्जी है, ये करंट एनर्जी भी है जहाँ पे हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं. एक कम्फर्ट नहीं रहा ना कि फ़ोन उठा के बात कर ली, मैसेज का रिप्लाई तुरंत आपने कर दिया. अगर वो देखो आपके मन में भी तो गुस्सा होगा कि तुमने क्यों मुझसे बात करनी बंद कर दी, तुमने क्यों किसी और के लिए मुझे इग्नोर किया, तुमने किसी और के लिए मुझे क्यों हर्ट किया, तुम्हारे अंदर अगर प्यार नहीं था तो दिखाया क्यों. मतलब आपके अंदर भी बहुत सारा गुस्सा है और बहुत सारे सवाल है. तो उनको पता है कि आप इतने, मतलब उनको कोई आइडिया ही नहीं है बेसिकली कि आप अभी उनके बारे में सोच क्या रहे हो. ओके, बट वो बहुत मिस कर रहे हैं, छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मिस कर रहे हैं. ओके, जहाँ पे आप दोनों जोक्स करते थे, यू नो, मजाक करते थे, मस्ती मजाक करते थे, दे आर मिसिंग दैट कम्फर्ट. सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, आई वॉज हार्ट ब्रोकन वेन यू लेफ्ट, येस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में डू यू स्टिल हेट मी. ओके, अब आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें कब छोड़ा, या मैंने तुमसे बात करनी कब बंद करी, मैं तो हमेशा ही थी अवेलेबल तुम्हारे लिए, या मैं हमेशा ही था तुम्हारे लिए, मेरे ऊपर ये ब्लेम क्यों डाल रहे हो. देखो वो ब्लेम ऐसा डाल रहे हैं आपके ऊपर, वो आपको ये बोल रहे हैं कि मैंने, ठीक है मैंने तुमसे बात करनी बंद कर दी, या मैंने तुम्हें ब्रेकअप दे दिया, मैं तुमसे दूर हो गया, गोस्ट कर दिया, लेकिन तुमने भी तो नहीं रोका. तुम तो रोक सकते थे, तुम एफर्ट डाल सकते थे, तुम मैसेज कर सकते थे, तुम पूछ सकते थे कि बात क्यों नहीं कर रहे हो, कॉल क्यों नहीं कर रहे हो. और आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पूछा भी है, आपने ट्राई भी किया टू टॉक टू दिस पर्सन, लेकिन उन्होंने ही आपको इग्नोर किया. तो वही है कंसर्न मेरा कि देखो उनको बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है. उनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको प्यार देना बंद नहीं करना था, बात करनी बंद नहीं करना चाहिए था. बट उनको आपसे उल्टा ये प्रॉब्लम है कि तुमने मुझे क्यों जाने दिया. तो आप क्या करते, इनके पैरों में पड़ जाते, क्या करते आप, राइट. अगर सामने वाला आपसे बात नहीं करना चाह रहा है तो आप क्यों उसके पीछे भागोगे, राइट. तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि तुमने क्यों मुझसे बात करनी बंद कर दी. फिर तुम तो मेरे को मना सकते थे, तुम तो मुझसे बात कर सकते थे. और उन्हें ऐसा भी मतलब ये कहीं ना उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते या आप उन्हें नफरत करते हो, ये दो ही चीज़ें हो सकती है. ठीक है, तो वो वही जानना चाह रहे थे आपसे, क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो, या तुम क्या अभी भी मुझसे गुस्सा हो, नाराज़ हो. नाइट ऑफ वॉन्ट्स क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में, नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी क्यों है. आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी, एंड आई एम कमिंग विद अ ऑफर यू कांट रिफ्यूज. सी, इस इंसान की ऑडेसिटी देखो, ये खुद आपको छोड़ कर गए, या खुद इन्होंने बात करनी बंद कर दी, या खुद आपको हर्ट किया, खुद कहीं ना कहीं ताल्लुक कम कर दिया, और अब आ रहे हैं ऐसा ऑफर लेकर जिसको वो कॉन्फिडेंट है कि आप उस ऑफर को रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकते, आप उस ऑफर को मना कर ही नहीं सकते. मतलब उनको कॉन्फिडेंस देख रहे हो किस लेवल का है, मैं जाऊँगा, मैं जब भी आऊँगा तो मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करेगी. इमैच्योर एनर्जी है ये, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, फिर भी इनके अंदर का कॉन्फिडेंस देखकर मुझे हंसी आ रही है. सच में अम्यूजिंग चीज़ है ये, कि
खुद बुरा बिहेव किया, बहुत बुरा बिहेव किया आपके साथ, सॉरी भी है, बोल रहे हैं सॉरी भी है, और ऑफर भी ऐसा लेकर आने वाले हैं, उनको कॉन्फिडेंस है कि आप मना नहीं करोगे, ठीक है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। और ओके, आई एल बी यूजिंग दिस डेक, मैं ये वाला डेक यूज करूंगी। चलो, आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन, ये कार्ड क्यों है यहाँ पे? आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन, प्लीज इसके बारे में और बताइए। गिविंग एंड रिसीविंग एंड बॉटम ऑफ द डेक में है चैलेंजिंग टाइम्स। देखो, उनको ना आपसे खुद अगर 10% करेंगे, उनको आपसे उम्मीद है आप 90% करोगे। सारा प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रहा है। उनकी इच्छा है कि मैं अगर 10% कर रहा हूँ तो तुम 90% करो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आप जो रीडिंग देख रहे हो आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये केयर करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, आपसे ताल्लुक़ भी रखना चाहते हैं, लेना देना रखना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अगर आएगा तो ही देना चाहते हैं, समझ रहे हो। अनकंडीशनल नहीं है इस पर्सन का प्यार आपके लिए, कि ठीक है नहीं मिलेगा तो भी मैं प्यार करता रहूँगा, ऐसा नहीं है, मिलेगा तो ही मैं दूंगा, ये माइंडसेट है इस पर्सन का, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का प्यार अनकंडीशनल नहीं है, क्योंकि जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है या इनकी मर्जी से चीज़ें नहीं होती है, ये छोड़ देते हैं, विच इज़ सो बैड दैट इज़। मतलब तुम्हारे मर्जी से चीज़ें नहीं होंगी तो तुम छोड़ दोगे। इस पर्सन को रेस्टलेस डेफिनेटली फील हो रहा है अभी, अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम चल रही है। दे आर नॉट एन्जॉइंग इट, एम्प्टीनेस इन माई सोल विदाउट यू, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? फाइंड बैलेंस, बिलीव इन सक्सीड, ओके। जब इनको अकेलापन महसूस हो रहा है ना अभी आपके बिना, तब इनको इच्छा हो रही है कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, चीज़ों को ठीक करें, चीज़ों को सही करें। और इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल फिर से देख लो, कि मेरे को पूरा भरोसा है हो जाएगा, वो मान जाएगी, मैं उसको मना लूँगा, मैं उसका ट्रस्ट जीत लूँगा। मतलब आपने अपने स्टैंडर्ड इतने लो कर लिए है ना गाइस, सॉरी आपको बुरा लगेगा ये सुन के। इस पर्सन को आपने इतना ईजिली माफ़ किया है हमेशा, कि इनको लगता है कि हमेशा ये माफ़ करती, अभी भी करेगी। आपने अपने आप को बहुत ईजिली अवेलेबल कर लिया है, ओके, तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट, ओके। डेडिकेटेड एफर्ट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में हार्ट चक्र। डेफिनेटली इस पर्सन को पता तो है कि गलती मेरी है, मैंने तुम्हें अपनी गलती से खोया है, और अब एफर्ट्स डालने की बारी आएगी तो एफर्ट्स डालेंगे भी ये पर्सन, ओके। क्योंकि इनका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुआ है, अनब्लॉक हुआ है, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को तो समझ ही पा रहे हैं, साथ ही साथ आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को भी समझ पा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर योर फ्रेग्रेंस द डे फॉर माई फर्स्ट मैट, इसको प्लीज क्लैरिफाई करें डिवाइन। लव अबाउंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ब्लॉसम। यस, कहीं ना कहीं जो मेमोरीज है ना, वही इस रिश्ते की नींव है, क्योंकि वही इनको अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, वही इनको आपके बारे में सोचने पे मजबूर करती है, वही इनको आपकी याद दिलाती है। सो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि चलो अच्छी बात है कि कुछ तो है जो इनको आपसे जोड़े रखता है, ओके। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बहुत वियर्ड है ये चीज़, आपको सुनने में भी वियर्ड लग सकती है। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद योर स्मेल, विद योर फ्रेग्रेंस, ठीक है। चाहे आप परफ्यूम लगाते हो नहीं लगाते हो, बट आपकी जो बॉडी की स्मेल है, सॉरी फ्रेग्रेंस है, दिस पर्सन इज क्रेजी अबाउट दैट। और होती है, कुछ लोगों की फेटिश या फैंटसीज होती है ऐसी भी, ओके। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स माई ब्रोकन हार्ट, इसके बारे में बताइए डिवाइन। शेयर द लव एंड बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस एंड ग्रोथ। यस, मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि इस पर्सन को प्यार तो देना है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है शुरुआत कैसे करनी है, बट इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, वो हमेशा से ही मुझे दिख रहा है थ्रू आउट द रीडिंग, मुझे इनके अंदर का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ठीक है, चीज़ों को लेकर। आई रिमेंबर आर फनी जोक्स, आई रिमेंबर आर फनी जोक्स, प्लीज़ डिवाइन क्लियर करें वॉट इज़ दिस अबाउट। कन्फ्रंट एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सक्सेस एंड ग्रोथ अगेन। यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन, देखो उस कंफर्ट जोन में जाने से पहले ना, ये बहुत सारी चीज़ें जो डाउट्स हैं आपके अपने मन में, उसे क्लियर करेंगे, ठीक है, या करना चाहते हैं।
सो जब भी आपसे नेक्स्ट बात करेंगे, ये आपको बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, और उन सवालों के जवाब जब उन्हें मिलेंगे तब वो सेटिस्फाई होंगे और तब वो आगे बढ़ेंगे आपके साथ इस कनेक्शन में, ठीक है? व्हाई इज आई वॉज हार्ट ब्रोकन वेन यू लेफ्ट, इसको प्लीज़ क्लैरिफाई करें. मूविंग ऑन एंड बॉटम ऑफ द डेक है डार्केस्ट फ्यूर्स. यस, वही बोल रही हूँ ना मैं, आपने जब मूव ऑन किया या आपने इस पर्सन को ऐसे दिखाया कि ठीक है यार कितना ही मैं तेरे पीछे भागू, जा तुझे जाना है तो आपने जाने दिया, वैसे ही ये पर्सन के लिए ये डार्केस्ट सबसे बड़ा फियर था अपनी लाइफ में कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओगे या आप उन्हें भूल जाओगे या आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके होने ना होने से, और वही आपने कर दिखाया. एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, सच में अच्छा किया आपने इस पर्सन को उनकी जगह दिखा दी मूव ऑन करके, या यू नो अपनी लाइफ पे फोकस करके. और अगर नहीं कर रहे हो डू दैट, क्योंकि देखो आज आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है मूव ऑन करने की, इस पर्सन को दिखा देने की कि आप इनके बिना जी सकते हो. आगे जाके ना आपको मेरी बातों की वैल्यू समझ में आएगी. अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के पीछे डेस्परेट हो जाओगे ना, वो इंसान कभी आपके प्यार की कीमत नहीं समझेगा, ठीक है? सो कैसी लगी रीडिंग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा. आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट्स तो करते ही नहीं हो, ठीक है? तो कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को. एंड कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो नंबर स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा. रिचुअल्स की बुकिंग 24/7 शुरू होती है, ठीक है? मतलब एक्सेप्ट व्हेन आई एम स्लीपिंग. तो प्लीज़ मैसेज करिए रिचुअल बुक करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें देखो रीडिंग देख के आपको क्लैरिटी मिल जाती है बहुत सारी, लेकिन रिचुअल्स करके, क्रिस्टल्स लेके, स्पेल जार्स लेके, स्पेल ऑयल लेके या पर्सनल रीडिंग लेके और क्लैरिटी मिलती है और हेल्प मिलती है चीज़ों को सही करने की, ठीक है? तो अगर आपको लेना है मुझसे, आप कनेक्शन फील करते हो मेरे साथ उतना या मेरे पे उतना ट्रस्ट है आपको, तो आप यू कैन रीच आउट टू मी. सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय.